त्योहारों को लेकर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में रहें सतर्क। सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने की अपील, त्योहारों में मामूली से चूक कहीं पड़ न जाए भारी। त्योहारों को लेकर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सबसे बड़ी पहल की है। इसी को लेकर दुकानदारों को कई तरह के सुझाव दिए गए और इन सुझावों पर अमल करने के लिए भी आगाह किया। इसी बात को लेकर प्रधान विकास सिंगला की ओर से दुकानदारों से बातचीत की गई और कई बातों पर अमल किया, जिनमें सबसे पहले दुकानदार कोरोना के प्रति अवेयर रहे और आने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी। इसके साथ बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में जो लोग दुकानों के आगे सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं, ऐसे लोगों को सचेत करें। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ पुलिस व प्रशासन का भी पूरी तरह से सहयोग करें, ताकि त्योहारों में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। त्योहारों को लेकर सोसाइटी को उठाना पड़ा कदम। त्योहारों को लेकर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला की ओर से कोरोना को गंभीरता से लिया गया और इसी मामले को लेकर दुकानदारों से बातचीत की और कुछ बातों पर अमल किया। प्रधान विकास सिंगला ने कहा कि त्योहारों में बाजारों में अक्सर लोगों की भीड़ लग जाती है। नो मास्क नो गुड्स पर दुकानदार करें अमल। प्रधान विकास सिंगला ने कहा कि जब से कोरोना हुआ तभी से सोसाइटी की ओर समय समय पर कई कार्य किए गए हैं, जिनमें नो मास्क नो गुड्स पर अमल शुरू किया, जिसमें इस बात पर अमल किया गया था कि कोई भी ग्राहक मास्क नहीं लगाकर आएगा तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ दुकानदारों को यह भी अपील की कि यदि दुकान पर आने वाले ग्राहक मास्क नहीं लगाते तो उसे जागरूक करें और उसे मास्क मुहैया करवाएं। जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी का भी अंत नहीं हुआ है। इसके लिए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है अभी, और 2 गज की दूरी बना के रखनी है हमें, और मास्क लगाकर ही निकलना है, और मास्क लगाने के लिए ही सबको प्रेरित करना है। अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं होता है तो हम दुकानदार भाइयों से ये बार बार अपील करते हैं कि आप उसको मास्क दो, उससे बीमारी के अंदर हमें छुटकारा मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। और कोई भी अगर कस्टमर आपके पास सामान लेने के लिए आता है तो उसको हाथ सैनिटाइज करवाएं और अपने भी करें, और अपने वर्करों को मास्क लगवाएं और उनको भी सैनिटाइज करें, और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर सामान दें, ना कि सड़क पर भीड़ लगा कर। उससे एक ये महामारी फैलने का डर ज़्यादा है, इसीलिए ये हम एक बार बार अपील करते हैं कोरोना महामारी को देखते हुए यातायात भी बिल्कुल सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने में उनका सहयोग दे और किसी की भी तरह की कोई दिक्कत ना दे। तभी अगर हम उनका सहयोग करेंगे प्रशासन, तभी प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। व्यापारियों के साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों को बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए ये चीज़ अपने आप ही समझनी चाहिए कि बिना मास्क के हमें नहीं जाना चाहिए, और वो खुद ही भीड़ ना लगाएं। कहीं से भी सामान की कभी कोई कमी नहीं होती है, तो सामान लें, बड़े आराम से लें और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर सामान लें। जैसा कि मैंने पहले भी एक अपनी सलाह दी थी और एक प्रधानमंत्री नारे का आदेश भी दिया था कि हम नो मास्क नो गुड्स, हमने एक नारा दिया था और लोगों ने इसको अपनाया भी है। और एक हमने एक मुहिम चलाई थी कि आप अपना कोई भी ऑर्डर होता है तो आप फ़ोन पे बुक करवाइए, तो आपके घर पे वो सामान पहुँच जाएगा और ना ही आपको देर लगेगी। दुकानदार आपको सामान तैयार करके रखेगा, आपने सामान लिया और उसको पैसे दिए और आप चले गए, तो इससे भीड़ भी नहीं लगेगी। ये एक मेरी अच्छी सलाह है और इसको सबको मानना चाहिए। नो मास्क नो गुड्स को लेकर भी एक मैसेज दिया था एसोसिएशन की ओर से। नो मास्क नो गुड्स के अंदर ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। इसके अंदर कोई भी कस्टमर सामान लेने के लिए आता है, अगर आप उसे एक बार मना करते हैं तो वो दूसरी बार मास्क लेकर आएगा। अगर एक बार नहीं लेकर आता तो आप उसको खुद ही प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि इसके अंदर इससे केसों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी मास्क लगाने से और सोशल डिस्टेंसिंग।